से लाए, वेद पुराणों से लाए, से करने जन कल्याण। खोज खोज पूरा पढ़ डाला, रामचरित से हमने निकाला। आज मिश्रा देंगे हर मुश्किल का समाधान। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है मानस ज्योतिष ज्ञान, और मैं हूँ आपके साथ मोहिनी। दर्शकों, समस्याएं हर किसी की जिंदगी में होती हैं, लेकिन उसका समाधान हमें नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर हमें कहीं ना कहीं अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए तो अपनी समस्याओं से पार हो सकते हैं। ऐसा ही अच्छे मार्गदर्शन के लिए हमारे स्टूडियो में हर बार की तरह इस बार भी उपस्थित हैं श्री रामचरण अनुरागी आचार्य श्री राज मिश्रा जी। तो चलिए आचार्य जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जय श्री राम। ॐ उद्भव स्थित संहार कारणिं क्लेशहारिणिं सर्वश्रेष्करिं सीता नतोऽहं राम वल्लभम्। बोले श्यावल रामचंद्र महाराज की जय। मैं भगवान राम से प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम को देखने वाले और सुनने वाले आप सभी दर्शकों पर उनका शुभ आशीर्वाद बना रहे, ताकि आप सभी का जीवन समस्त प्रकार की सुख समृद्धियों से परिपूर्ण हो। बिल्कुल दर्शकों, इसी मंगल कामना के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आचार्य जी से कि किस तरह से आपकी हर समस्या का समाधान श्री रामचरित मानस की सिद्ध चौपाइयों के माध्यम से हो सकता है। दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो आप कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, कार्यक्रम से जुड़िए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। तो चलिए आचार्य जी से पहला प्रश्न पूछते हैं कि किस तरह से धन कैसे हम पा सकते हैं, हस्तरेखा के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि धन अपने जीवन में बढ़ाया जाए। आचार्य जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये रहेगा कि धन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। धन के माध्यम से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन में अच्छे व्यतीत कर सकते हैं धन के माध्यम से। लेकिन हस्तरेखा की बात की जाए तो हस्तरेखा में ऐसी कौन सी रेखा है जो धन को बढ़ाए, या धन हमारे जीवन में किस तरह से आएगा, हाथ की किस रेखा से हम पता कर सकते हैं? बाकी आपने सत्य कहा है कि धन एक महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन के अंदर। अगर हमारे पास आर्थिक परिस्थितियां हमारे जीवन की बेहतर हों तो पराए भी अपने बन जाते हैं, और यदि आर्थिक परिस्थिति हमारे जीवन में अच्छी ना हो तो अपने भी पराए हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो, आप सभी लोगों के पास धन रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दशमात, और स्वयं संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। जो संपत्ति रावण को अपने 10 सिर को भगवान शंकर को अर्पित करके प्राप्त हुई थी, वो संपत्ति सिर्फ विभीषण के शरणागति होने के कारण भगवान राम ने उसको प्रदान कर दी। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि यदि भगवान राम की शरणागति स्वीकार की जाए, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का पाठ किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो हमारी आर्थिक परिस्थिति है वो बहुत बेहतर होती है, धन को लेकर के हमारी दिक्कतें दूर होती हैं। आपने कहा हस्तरेखा के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं अपनी आर्थिक परिस्थितियों को। जब भी जीवन में हमें धन कमाना हो, कई व्यक्ति शरीर से बहुत फिट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी अपने मस्तिष्क से धन का बहुत अच्छा जो है प्राप्ति कर लिया करते हैं। तो यदि हमें धन को कमाना है तो हमें विशेष रूप से हस्तरेखा में देखना होता है। हमारी भाग्य रेखा जो कि प्राप्त कहीं शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, लेकिन मुख्यतः मणिबंध से प्राप्त होकर के और शनि क्षेत्र को जाती है, या चंद्रमा से प्रारंभ होकर शनि क्षेत्र को जाती है, या मंगल कहीं से प्रारंभ होकर के जो रेखा शनि क्षेत्र को विशेष रूप से जा रही हो वो हमारी भाग्य रेखा होती है। हमारे हस्त रेखा में भाग्य रेखा का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भाग्य रेखा अच्छी है, स्पष्ट है, तो निश्चित रूप से हमें जीवन में धन की प्राप्ति होती है। भाग्य यदि हमारा अच्छा नहीं है तो कर्म करने के बाद भी हमें बहुत अच्छे धन की प्राप्ति नहीं होती है। संस्कृत में एक श्लोक है कि भाग्यम फलति सर्वत्र, ना विद्या न यशो बलम। भाग्य सदैव जीवन में अच्छे फल को प्रदान करता है। तो यदि हमारी भाग्य रेखा स्पष्ट होती है तो निश्चित रूप से हमें धन की अच्छी प्राप्ति होती है। भाग्य रेखा के साथ प्रसिद्धि,
सूर्य रेखा जो कि हमारे इस अनामिका उंगली की तरफ जाती है, यहां से प्रारंभ होती है, मस्तिष्क रेखा से प्रारंभ होती है या हृदय रेखा से प्रारंभ होकर के अनामिका उंगली पर यानी सूर्य के यहां पहुंचती, ये प्रसिद्धि रेखा है। ये डायरेक्टली धन को नहीं प्रदान करती है, ये प्रसिद्धि को प्राप्त कराती है। जब व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त हो जाए तो धन अपने आप प्राप्त हो ही जाता है। दो चीजें, भाग्य रेखा होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसी के साथ सूर्य रेखा यदि हाथ में विद्यमान है तो निश्चित रूप से भाग्य और प्रसिद्धि के बल पर हमें धन की प्राप्ति हो जाती है। अब दूसरी चीज, जीवन रेखा। यदि शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो गए हैं, आपकी बाकी रेखाएं ठीक हैं, शरीर में अनेक प्रकार के यदि रोग उत्पन्न हो गए हैं तो भी आप अपने कार्य को अच्छी तरीका से कर नहीं पाएंगे और उसके कारण आपको जीवन में अनेक कठिनाइयां प्राप्त होंगी और आप धन का आगमन नहीं कर पाएंगे, धन आपका नहीं आपके पास आ पाएगा। तो जीवन रेखा का भी अच्छी होना बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज, मस्तिष्क रेखा। हम हर चीज को अपने मस्तिष्क से प्रयोग करते हैं, अपने दिमाग से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो यदि मस्तिष्क रेखा भी आपकी अच्छी हो, मस्तिष्क रेखा प्रबल हो तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में अच्छे धन की प्राप्ति हो सकती है। तो क्या हुआ, अगर हस्तरेखा के माध्यम से हम धन को प्राप्त करने को लेकर के देखें तो क्या क्या महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है सबसे पहली चीज भाग्य रेखा, दूसरी चीज सूर्य रेखा, तीसरी चीज जीवन रेखा और चौथी चीज मस्तिष्क रेखा। इन चारों चीजों को जब हम अपने हस्तरेखा के अंतर्गत देखते हैं, अगर चारों चीजें हमारे साथ अच्छी होती हैं तो निश्चित रूप से हमें धन की अच्छी प्राप्ति होती है। अगर मान लिया जाता है कोई भी रेखा में दिक्कत है, जीवन रेखा में दिक्कत है, तो पहले ही आपको भगवान शंकर इत्यादि की आराधना के लिए बता दिया जाता है आप ये करें तो इससे आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा, बाकी चीजें अच्छी हैं तो आप धन कमा लेंगे, या मस्तिष्क अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, चीजों को आगे कैसे बढ़ाना है वो नहीं समझ पा रहे हैं, व्यापार आपने प्रारंभ किया वो चल नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा में दिक्कत है। तो हमने मस्तिष्क को स्ट्रांग करने के लिए मेडिटेशन इत्यादि है, या मस्तिष्क को स्ट्रांग करने के लिए श्री रामचरितमानस की बहुत सारी चौपाइयां हैं, उनका जब नियमित रूप से अध्ययन करते हैं तो हमारा मस्तिष्क स्ट्रांग हो जाता है, भाग्य और प्रसिद्धि पूरी तरह साथ दे ही रही है, मस्तिष्क भी अच्छा होगा तो हम जीवन में धन को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम हस्तरेखा के माध्यम से समझ सकते हैं और जो भी चीजें हमारी गड़बड़ है उसको हम श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से दूर करके अपने जीवन को एक बेहतर परिस्थिति प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बहुत बड़ी कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर दर्शकों, अगर आपका मस्तिष्क अच्छा नहीं होगा तो आपको धन की प्राप्ति नहीं होगी, आचार्य जी ने हमें बताया। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है या आपकी कोई भी परेशानी आपसे दूर नहीं हो पा रही है तो आप हस्तरेखा से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। अगर आप आचार्य जी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर चलाए जा रहे हैं, संस्थान के नंबर पर संपर्क करके आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। दर्शकों, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम आचार्य जी, कैसे हैं आप? आचार्य जी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी बताइए, क्या बात है? जी आचार्य जी, आपका प्रोग्राम तो हम लोग बेसब्री से इंतजार करते रहते, कब आपका प्रोग्राम आए और हमारे पूरे फैमिली के साथ हम बैठ के देखते हैं। जी बहुत धन्यवाद। और आपको याद होगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले आपसे ना मिले थे। जी बिल्कुल। और आपने एक सिद्ध कवच दिया था जिससे मेरी पूरे जो अपना लाइफ के बारे में बहुत उन्नति हुआ, अच्छी जॉब मिल गया और मैं बहुत खुशहाल हूँ। और आपका आशीर्वाद बहुत बेहतर बना। जी, तो मैं ये चाह रहा हूँ, जो ऐसी मेरी एक छोटी बहन है उसका भी आपका आशीर्वाद बना रहे। जी क्या नाम है बच्ची का, क्या जानना चाहते हैं? जी उसे ना बहुत तरह का घटना होते रहते हैं, बराबर वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, बराबर एक्सीडेंट हो रहा है, ये सब इसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम है सोना झा। डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। 5/3/1997। 5/3/1997। टाइम बताइए। टाइम 1:30 रात के। रात को 1:30, यानी ये 4 तारीख की रात और 5 तारीख की सुबह हो गया, अर्ली मॉर्निंग सुबह वही। हाँ, कहाँ पे जन्म हुआ इसका? ये बिहार। बिहार में कहाँ पर? ये मधुबनी जिला। मधुबनी जिला में जन्म हुआ है। इसके साथ अनेक प्रकार की दिक्कतें बनी रहती हैं। जी
सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग रोज कार्यक्रम को देखते हैं, आपने श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच धारण किया है और उससे आपके लाइफ में बहुत बेहतर परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। सबसे पहले जो आप लोग मंगाते हैं और मुझे बताते हैं कि इससे मैं बहुत सुंदर लाभ हुआ है, तो उस कार्य को करने के प्रति बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, भगवान पर बहुत श्रद्धा बढ़ती है, बहुत विश्वास बढ़ता है कि परमात्मा ने जो आशीर्वाद मुझे प्रदान किया था उस आशीर्वाद तक मैं आप सब तक पहुंचा रहा हूं और वो आशीर्वाद आप सभी के लिए इतना लाभप्रद सिद्ध हो रहा है। मैं सदैव परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उनका आशीर्वाद इसी प्रकार आप सब पर बना रहे। आपने बताया कि इस बच्ची के साथ हमेशा दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत होती है, हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ पर एक तो पढ़ाई के दो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, बुध और बृहस्पति। इस कुंडली के अंतर्गत बृहस्पति नीच का है लग्नेश होकर के और बुध इस कुंडली के अंतर्गत अस्त है। जब दोनों पढ़ाई के महत्वपूर्ण जो कारक ग्रह हैं वो दोनों अस्त और पीड़ित होंगे तो निश्चित रूप से पढ़ाई में दिक्कतें उत्पन्न होंगी। उसके साथ वर्तमान में अष्टमेश चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा लग्न में उत्पन्न है, जो अचानक समस्याओं के आने का भाव है वो अष्टम भाव है, जिस कारण से इसको निरंतर दिक्कतें उत्पन्न होती। मैं आपसे दो निवेदन करूंगा, इसको बोल दीजिए कि एक तो केसर का टीका अपने मस्तक पर रोज लगाया करे और उसके साथ श्री रामचरितमानस के बालकांड में एक चौपाई है, शुरुआत में ही पहले दोहे की है, बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुबास सरिस अनुरागा, इसका रोज पाठ करने से 5 बार इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। और सोमवार के दिन इसके हाथ से दूध और चावल का आप दान कराइएगा, जिससे कि इस बच्ची को जो हमेशा समस्याएं होती हैं, निरंतर दिक्कतें बनी रहती हैं, वो दिक्कत दूर हो जाएंगी, जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहेगा। मैं एक और निवेदन करूंगा, अगर संभव हो तो एक बार और इस बच्ची के बारे में संस्थान में फोन करके, पूरा प्रॉपर समय होगा तो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, या फिर इसकी कुंडली ले आकर के संस्थान में मुलाकात कर लीजिएगा तो मैं प्रॉपर इस बच्ची के बारे में जानकारी दे पाऊंगा, ताकि आप सही उपाय कर पाए और इसका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रहे। बिल्कुल दर्शकों, बहुत अच्छा लगता है जब आप हमें बताते हैं कॉल करके, कॉल के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से मिलके, श्री रामचरितमानस के सिद्ध कवच के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होता है। इसी के साथ दर्शकों बताना चाहूंगी, अगर आप व्यक्तिगत रूप से आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से मिल सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। दर्शकों अब वक्त हो चुका है कालचक्र की पहली 3 राशियों के बारे में जानने का। आचार्य जी पहली 3 राशियों के बारे में जानना चाहूंगी। चक्र की प्रथम राशि मेष के लिए आज का दिन अच्छा है, मन में प्रसन्नता रहेगी, प्रदेशी की यात्रा का सुंदर योग बनेगा, आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आत्मविश्वास बहुत अच्छा वाला बढ़ा रहेगा। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस, वो चीजें बिल्कुल भी नहीं होंगी, आज आपका दिन बेहतर तरीके से व्यतीत होने वाला है। बस भगवान जो भी आप जिनको मानते हैं उनको प्रणाम करके दिन की शुरुआत कीजिए। आज आपके लिए 3 का अंक लाभप्रद रहेगा, हरा रंग लाभप्रद रहेगा, शुभ समय आज आपके लिए होगा 9 से लेकर 10 बजे तक का, दिन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि वृष की बात करते हैं, आज भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, जरूर प्रयास करें, आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आज यदि मकान बनाना भी चाहते हैं उसके लिए कोशिश करेंगे, सफलता प्राप्त होगी। आज आपके लिए 6 का अंक और हरा रंग बेहतर रहेगा, शुभ समय आपके लिए होगा 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक का, दिन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि मिथुन के जातक पढ़ाई में ध्यान दें, पढ़ाई में आपका मन बहुत अच्छे से लगेगा, पढ़ाई संबंधित कोई विदेश यात्रा करना चाहते हैं प्रयास कीजिए, सफलता प्राप्त होने वाली है। आज अगर परिवार में संबंधियों से, कुटुंबियों से आपके संबंध खराब थे, उनको बेहतर करना चाहेंगे तो उसमें जरूर अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आज आपके लिए 1 का अंक लाल रंग बेहतर रहेगा, शुभ समय होगा 12:30 से लेकर 2 बजे तक का, दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने कालचक्र की पहली 3 राशियों के बारे में बताया और बताया कि किस तरह से आज आपका दिन व्यतीत होगा। दर्शकों कभी कभी ऐसा हो पाता है कि आप अपनी समस्या को कॉल के माध्यम से या चैनल के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आचार्य जी आपके शहर में आ रहे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टीवी पे दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन फिक्स करा सकते हैं। दर्शकों एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, मेरा नाम अजीत है और मेरी घरवाली का नाम अनीता है और हम लोग बीमार अक्सर रहते हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। आप सदैव बीमार रहते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं? जी जी। घर का मुख किस तरफ है आपके? हमारे घर का मुंह जो है वो पूरा पश्चिम दक्षिण की दिशा में बैठेगा। दक्षिण दिशा में है ना आपके घर का मुख? जी जी। दवाई लेते हैं, दवाई नहीं काम करती है? नहीं, दवा वगैरह काम तो करती है, कुछ ना कुछ लगा रहता है।
जैसा कि आपने मुझे बताया कि आपके घर में स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं, आपके जो घर का मुख है वो दक्षिण की तरफ है, आपके पूरे परिवार को स्वास्थ्य की समस्याएं रहती हैं, यानी आपको ग्रहों से संबंधित समस्या नहीं है, आपके घर में वास्तु की समस्या है। वास्तु की समस्या होने के कारण आपके घर में स्वास्थ्य को लेकर के सदैव दिक्कतें बनी रहती हैं। दक्षिण मुखी मकान में अधिकतम ये परिस्थितियां देखी गई हैं। दक्षिण मुखी मकान जब हमारे ग्रह अच्छे हों तब तो हमें कई बार अच्छा रिजल्ट दे जाता है। चतुर्थ भाव में यदि राहु हो तो दक्षिण मुखी मकान हमें फलित हो जाता है, लेकिन जब जैसे ही हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा परेशान करता है, दशाएं विपरीत होती हैं, वैसे ही दक्षिण मुखी मकान हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, श्री रामचरितमानस की एक चौपाई है जहां पर गुरु वशिष्ठ ने नामकरण संस्कार किया है भगवान राम के चारों भाइयों का, वहां पर है विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकहु नाम भरत अस होई। इस चौपाई का 11 बार पाठ करके सुबह नहा करके घर में गंगा जल का छींटा लगाया करें तो घर में जो नेगेटिविटी है वो आपकी दूर हो जाएगी। अगर इसको नहीं कर पाते हैं तो संस्थान में एक बार फोन करके बात कर लीजिएगा और हो सके तो एक बार घर का पूरा नक्शा ला करके संस्थान में मुझसे मुलाकात कर लीजिएगा, मैं आपको सही उपाय बता पाऊंगा और भगवान राम के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति कर पाएंगे। दर्शकों, जो भी आचार्य जी ने चौपाइयां बताई हैं, अचूक उपाय बताए हैं, उसका पालन करिए, निश्चित ही आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनका निवारण हो जाएगा। दर्शकों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कॉल नहीं लग पाती या फिर कॉल आप करते हैं और बीच से कट हो जाती है, तो उससे भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप संस्थान के नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। अब बारी है आगे की 3 राशियों के बारे में जानने की। आचार्य जी, आगे की 3 राशियों के बारे में जानना चाहूंगी। चतुर्थ भाव से कर्क के लिए आज थोड़ी सावधानी रखने वाला दिन है। आज बनते हुए कार्यों में अड़चने उत्पन्न होंगी, धन की बहुत ज्यादा हानि होगी, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहेगा। आज आपको भगवान शंकर की आराधना की आवश्यकता है, भगवान शंकर को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करें। आज आपके लिए 6 का अंक बेहतर रहेगा, नीला रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा दोपहर का 2:20 से 3:30 तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि सिंह के जातक के लिए आज का दिन बेहतर है, धन लाभ से परिपूर्ण रहने वाला दिन है, मित्रों का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा, शेयर मार्केट इत्यादि में पैसा लगाना चाहते हैं जरूर लगाएं, लाभ की प्राप्ति होगी। आज आपके लिए 4 का अंक बेहतर है, पीला रंग बेहतर है। शुभ समय आज आपके लिए रहेगा 11:30 से 12:30 तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि कन्या के जातक की अगर हम बात करें तो एक अच्छा दिन है, नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र में कोई कार्य रुका हुआ है उसको ठीक करना चाहते हैं, आज जरूर प्रयास करें सफलता प्राप्त होगी। भूमि वाहन भी खरीदना चाहते हैं, आज प्रयास करें सफलता प्राप्त होगी। आज आपके लिए 5 का अंक और लाल रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा 9:30 से 10 तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। तो दर्शकों, अगली 3 राशियों के बारे में आचार्य जी ने बता दिया है कि किस तरह से आज आपका दिन व्यतीत होगा। तो आचार्य जी ने जो भी चौपाइयां बताई हैं, उपाय बताए हैं, उनका पालन करिए, निश्चित ही आज आपका दिन अच्छे से व्यतीत होगा। दर्शकों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी समस्या को कॉल के माध्यम से या टीवी चैनल के माध्यम से नहीं बता पाते हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से भी आचार्य जी से मिल सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे संस्थान का नंबर चलाए जा रहे हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं और आचार्य जी से मिलकर अपनी हर एक समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो, हां जी बताइए। आचार्य जी नमस्कार। जय श्री राम भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। जी बताइए क्या बात है। आचार्य जी, मैं आपका प्रोग्राम डेली देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी बहुत धन्यवाद। आचार्य जी, मेरी जो समस्या है वो बड़ी मतलब बढ़ती चली आ रही है, मतलब हर चीज में मतलब रुकावटें आ रही है, दिक्कतें आ रही है, मतलब कि ऐसा हो गया कि आत्महत्या करने जैसा मतलब माहौल हो गया मेरा। क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है जी। मुकेश जी, डेट ऑफ बर्थ बता देंगे? 9/9/1986। 9/9/1986, टाइम बता दीजिए। 4:15 पे। कब है? रात को? सुबह, मंगलवार का दिन। रात को या दिन को? सुबह सुबह। 4:15? हाँ जी, 4:15 पे। कहाँ पे जन्म हुआ है? ये गांव में हुआ है मेरा, परसोना। जिला और प्रदेश बताइए। ये उत्तर प्रदेश सैसमान।
हो क्या रहा है? आपने मुझे बताया कि आत्महत्या करने जैसी इच्छा जागृत हो रही है, बहुत सारे काम रुक रहे हैं, कोई काम बन नहीं रहा, उसका एक कारण है। अभी जो दशा चल रही है वो मार्केश की चल रही है, शनि की दशा चल रही है, और शनि इस जन्म कुंडली का मार्केश है, जिस कारण से आपको ये बहुत सारी इच्छाएं आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, मन में बहुत ज़्यादा अशांति उत्पन्न हो रही है। पर आपसे निवेदन करूँगा कि आप प्लीज़ परेशान ना हो इस प्रकार की परिस्थितियों को लेकर के। बहुत साधारण सा उपाय है आपके लिए जिससे आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आपने क्या करना है, एक सात मुखी रुद्राक्ष लेना है और उसको श्री रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 17 जो है, प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जाश हृदय आगार बसहि राम सरचापधर, इस दोहे के माध्यम से प्रॉपर सिद्ध कराना है और उसको गले में धारण कर लेना है। सिर्फ एक ये उपाय करने से आपके रास्ते आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, कोशिश करें कि प्रतिदिन कम से कम 11 बार महामृत्युंजय या मृत्युंजय मंत्र का जप करके ही दिन की शुरुआत करें, आपको सारे रास्ते प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। शनि उदासीनता का सबसे प्रबल कारक ग्रह है, शनि दुखद समाचार सुनवाता है, उसी की दशा है और वो मार्केश भी है जिस कारण से आपको परेशान कर रहा है, और ये प्लैनेट आपको 2020 तक परेशान करने वाला है। इसलिए निवेदन करूंगा जो उपाय बताया है इसको प्रॉपर रूप से करें, नहीं कर पाए संस्थान में फोन कर दीजिएगा, श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच वहां से लेकर के आप धारण कर लीजिएगा। इसके भी धारण करने से आपके जीवन की जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी, जीवन अच्छे मार्ग पर जाएगा, सुख समृद्धियों से परिपूर्ण। दर्शकों, हमारे कार्यक्रम का बस एक यही उद्देश्य रहता है कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उसका समाधान हम कर पाएं। श्री रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयों के माध्यम से और श्री रामचरितमानस सिद्ध रत्न के माध्यम से अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन की जो सारी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, तो आप श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच मंगवा सकते हैं, सिद्ध रत्न और रुद्राक्ष भी मंगवा सकते हैं। टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। अब वक्त है आगे की तीन राशियों के बारे में जानने का। आचार्य जी, आगे की तीन राशियों के बारे में जानना चाहूंगी। सप्तम राशि तुला के लिए अगर आज की परिस्थिति की बात की जाए, एक अच्छी परिस्थिति है, भाग्य पूरी तरह आज आपके साथ रहेगा, धार्मिक यात्रा का सुंदर योग बनेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी। आज यदि किसी टेंडर वगैरह को आपने भर रखा है उसके लिए प्रयास करेंगे, अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आज आपके लिए 2 का अंक बेहतर है, लाल रंग बेहतर है। शुभ समय आज आपके लिए होगा शाम का 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक का दिन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि वृश्चिक के जातक सावधान रहें, आज वाहन से दुर्घटना का योग बन रहा है, इस कारण से घर से निकलते वक्त हनुमान जी की आराधना करके फिर दिन की शुरुआत करें। आज वाणी समाज को प्रभावित करेगी, शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे लाभ की प्राप्ति होगी। आज आपके लिए 5 का अंक और लाल रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय होगा 11 से लेकर 11:20 तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि धनु के जातक अग्नि तत्व राशि है और आज आपके पति पत्नी के आपसी संबंधों में क्रोध के कारण बहुत खटास उत्पन्न होगी, तो उस क्रोध को कम करने के लिए, उस खटास को दूर करने के लिए आवश्यक है कि आप दोनों एक दूसरों की बातों को सुने और प्रॉपर उस पर गौर करें, क्रोध कम करें। आज जो भी बात करें बहुत सहनशीलता के साथ करेंगे तो दिन में दिक्कतें नहीं आएंगी। आज आपके लिए 2 का अंक बेहतर है, सफेद रंग बेहतर है। शुभ समय आज आपके लिए रहेगा 9:30 से लेकर 10 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। आचार्य जी, बहुत अच्छी राशियों के बारे में बताया आज में। अब मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपने मुझे पहले बताया था कि धन की कमी किस तरह से होती है, अगर हस्तरेखा के माध्यम से हम देखा जाए तो अगर मस्तिष्क की रेखा अगर अच्छी नहीं होती तो धन की कमी हो जाती है। तो अभी कॉलर के माध्यम से कॉलर आया था तो उन्होंने बताया कि श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच के माध्यम से उन्हें कितना लाभ प्राप्त होता है, तो क्या हम ये जान सकते हैं कि धन की कमी कैसे हो सकती है और श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच से हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जानना आवश्यक है कि धन की कमी में, ज्योतिष का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति की कुंडली आती है या कोई व्यक्ति हस्तरेखा लेकर के आया उसने अपने धन की कमी को दर्शाया। जैसे अधिकतम होता क्या है, जैसे जन्म कुंडली के माध्यम से अगर देखी जाए तो द्वितीय भाव धन भाव है, एकादश भाव लाभ भाव है, इसी के साथ इन चीजों को देखा जाता है कि क्या द्वितीय भाव पीड़ित है, एकादश भाव पीड़ित है, तो धन की प्राप्ति हमें नहीं हो पा रही है।
कई बार ये दोनों भाव हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में धन की कमी उत्पन्न होती रहती है। तो हमारे लिए आवश्यक होता है उस चीज को देखना कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है, क्या ये व्यक्ति मस्तिष्क को ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहा है, क्या इस व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं दे रहा है, रीजन क्या है कि बहुत मेहनत कर रहा है और फिर भी धन का प्रयोग नहीं कर, धन का उपार्जन नहीं कर पा रहा है, धन अर्जन नहीं कर पा रहा है। तो वहां पर श्रीरामचरितमानस सिद्ध कवच जब हम धारण करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी ज्ञान इंद्री है वो जागृत हो जाती है, और ज्ञान इंद्री जागृत हो जाने के कारण हमें मार्ग पता चलता है कि इस रास्ते से हमें धन प्राप्त होगा। तो जब हम उस रास्ते का प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमें धन की प्राप्ति होती है। आप सभी लोगों ने शायद गीता का वो श्लोक सुना होगा जहां पर भगवान कृष्ण खुद अपने मुख से कहते हैं कि आदित्यानाम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान मारीचर मरुतामश्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान विष्णु खुद कहते हैं इस शब्द को कि मैं आदित्यों में सूर्य हूं, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं, मैं वायु में मारुति हूं, मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं। तो यदि भगवान विष्णु का जो विशेष आशीर्वाद है श्री रामचरित्र मानस है, और श्री रामचरित्र मानस की यदि चौपाइयों को हम धारण करते हैं तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो खत्म हो जाती है। हमें ये समझ आता है कि हमें अब किस दिशा में कार्य करना है, कैसे कार्य करना है जिससे हमें लाभ की प्राप्ति हो। जब हम उस दिशा पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सभी ग्रह अनुकूल होते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच की बात करूं तो उसके धारण करने से निश्चित रूप से आपको जीवन में अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके जीवन में भी कोई समस्या है, कोई भी परेशानी है तो श्री रामचरितमानस सिद्ध कवच, सिद्ध रत्न और रुद्राक्ष मंगवा सकते हैं। संस्थान के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चलाए जा रहे हैं। आचार्य जी, आखिरी तीन राशियों के बारे में जानना चाहूंगी। दशमस्थ राशि मकर के लिए अगर आज की परिस्थिति की बात की जाए अच्छी है, पर शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है। बाहर का खाना खाने से शरीर में दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए बाहर का खाना कोशिश करें कि ना खाएं। उसके साथ साथ आज यदि किसी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, पिता को प्रणाम करके जाएंगे, लाभ की प्राप्ति होगी, सफलता प्राप्त होगी। आज आपके लिए 8 का अंक लाभप्रद रहेगा, लाल रंग लाभप्रद रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक का दिन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि कुंभ के जातक, पढ़ाई में बहुत अच्छे से मन लगेगा, आज मित्रों का सुंदर सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों के साथ घूमने का सुंदर योग बन रहा है। आज आपके लिए 2 का अंक बेहतर रहेगा, लाल रंग बेहतर रहेगा। शुभ समय आज आपके लिए होगा 11:30 से लेकर 12 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। राशि मीन की बात करते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, जरूर प्रयास कीजिए, सफलता प्राप्त होगी। आज आपके दिली इच्छा जो आपकी है, जो बहुत उससे दबी हुई थी, वो पूर्ण होने वाली है। आज आपके लिए बेहतर रहेगा 6 का अंक हरा रंग। शुभ समय आज आपके लिए होगा सुबह 9 से लेकर 9:30 बजे तक का दिन आपका बेहतर तरीके से व्यतीत होगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आचार्य जी ने कालचक्र की 12 राशियों के बारे में बता दिया और बता दिया दिन आज आपका किस तरह से व्यतीत होगा। अब वक्त हो चला है आज के विशेष उपाय के ऊपर, तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी, आज का विशेष उपाय क्या होगा? विशेष उपाय बहुत ही सुंदर है। आज आपको क्या करना है, एक पीला फल लेना है। आसपास यदि कोई मंदिर है वहाँ पर भगवान राम की मूर्ति है, भगवान कृष्ण की मूर्ति है, भगवान विष्णु की मूर्ति है, उनके सामने ले जाकर के रख देना है। नहीं है तो घर के मंदिर में यदि इनकी तस्वीर फोटो है वहाँ ले जाकर रखना है और उनके सामने बैठ करके 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। इसके करने के बाद 11 बार करने के बाद उस फल को काट करके पूरे परिवार के दे दीजिएगा, प्रसाद के रूप में वितरित कर दीजिएगा। सभी लोग खाएंगे, सभी लोगों की बुद्धि जागृत होगी, बहुत बेहतर तरीके से व्यतीत। तो आचार्य जी ने आज का विशेष उपाय बता दिया है। मैं आशा करती हूँ अगर आप विशेष उपाय का पालन करेंगे तो निश्चित ही आज आपका दिन अच्छे से व्यतीत होगा। इसी के साथ एक जानकारी देना चाहूंगी, अगर किसी भी दर्शक की यहाँ पर कॉल नहीं लग पाई है तो आप संस्थान के नंबर पे कॉल करके अपनी जो भी समस्या है उसका समाधान पा सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर ये कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब के कार्यक्रम का नाम है मानस ज्योतिष, आप सर्च करके उसको देख सकते हैं, नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकता है। तो बिल्कुल आप देखिए, कार्यक्रम से जुड़िए और अपनी समस्याओं का समाधान करिए। आचार्य जी, आज आपने हमें समय दिया, स्टूडियो में उपस्थित हुए, हमारे दर्शकों का इतना अच्छा मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।
दर्शकों आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।